નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, હું દીપ્તિ બ્રહ્મભટ્ટ, જેડએસટીમાં આપનું સ્વાગત છે. હવે સમાચારમાં આગળ વાત કરીએ તો દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી અને આપ નેતા અરવિંદ કેજરીવાલે સોમનાથ મહાદેવને શિશ ઝુકાવી ધ્વજા ચઢાવી. ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણી જેમ જેમ નજીક આવતી જાય છે તેમ તેમ ગુજરાતના રાજકારણમાં ગરમાવો આવતો જાય છે. દેશભરના નેતાઓ ગુજરાતની મુલાકાતે આવે છે ત્યારે દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી અરવિંદ કેજરીવાલ હાલ ગુજરાતની મુલાકાતે છે અને ગત રાત્રે સોમનાથ ખાનગી હોટલમાં રોકાણ કર્યા બાદ સવારે 10 કલાકે સોમનાથ મહાદેવની શીશ ઝુકાવવા પહોંચ્યા હતા. સોમનાથ મહાદેવની શીશ ઝુકાવી ધ્વજા ચઢાવ્યા બાદ પત્રકારો સાથે વાતચીત કરતા જણાવ્યું હતું કે સોમનાથ મહાદેવના દર્શન માટે આવ્યો છું, રાજનીતિ મામલે હું અહીંયા નહીં બોલું. રાજકીય મુદ્દે વાત કરવા માટે આખો દિવસ પડ્યો છે અને હાલ માત્ર દાદાના દર્શન કરી દાદાને પ્રાર્થના કરી છે કે દેશ પ્રગતિ કરે. ત્યારબાદ બોટાદ લઠ્ઠાકાંડ મામલે દુઃખ વ્યક્ત કરતાં કહ્યું કે તમામ મૃતકોના આત્માને ભગવાન શાંતિ આપે. બીજી તરફ આગામી વિધાનસભાની ચૂંટણી પહેલાં ગુજરાતમાં મુખ્યમંત્રીના ચહેરાને લઈ પૂછવામાં આવતા સમય આવતા બતાવીશું. જ્યારે અરવિંદ કેજરીવાલ સાથે ઈશુદાન ગઢવી, ગોપાલ ઇટાલિયા અને પ્રવીણ રામ સોમનાથ મહાદેવના દર્શન કરી મા ભાવનગર અને રાજકોટ જવા રવાના થયા હતા. દીપક જોશી, ZSTV, સોમનાથ. आने का मौका मिला, अपने आप को मैं बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ. उनके भगवान महादेव के दर्शन किए, पूजा अर्चना की और पूरी भक्ति के साथ हम सब लोगों ने गुजरात के लिए, पूरे देश के लिए, लोगों के लिए तरक्की, पूरे देश के विकास के लिए और सुख शांति के लिए, सबके सुख शांति के लिए हमने कामना की. यहाँ के बहुत अच्छा लगता है. समुद्र के तट पर जो भगवान महादेव का मंदिर है, सोमनाथ जी का मंदिर है, बहुत बहुत शांति मिलती है और आज बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके. सर, जो हादसा हुआ है जिसमें मेरा रिक्वेस्ट है, अभी मंदिर में है तो अभी आपसे 2-3 जगह और राजकोट में भी आप लोगों से मुलाकात होगी और वहाँ भी आएंगे, वहाँ अच्छे से बात करेंगे. यहाँ बिल्कुल सब करेंगे. मैं यहाँ राजनीति, यहाँ बस केवल और केवल भक्ति के लिए आए हैं. राजनीति की बातें आज पूरा दिन कई बार आपके साथ. अभी राजकोट जा रहे हैं, फिर वहाँ से भावनगर भी जा रहे हैं. सोमनाथ में 1 तारीख को राजनीति की बात करेगा. भगवान से क्या प्रार्थना? भगवान से प्रार्थना की देश की तरक्की के लिए, गुजरात की तरक्की के लिए, पूरे देशवासियों के सुख शांति के लिए, देश की सुख शांति के लिए, सब लोगों के लिए, सब लोगों की तरक्की हो, सब लोग खुश रहें हमारे देश में, सब लोग स्वस्थ रहें और देश जो है हमारा भारत देश दुनिया का नंबर वन देश बने. ये मैं सर, लेकिन जहां 20 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है उस मामले पर मैं यही कहना चाहूँगा कि ये बहुत ही दुखदायी घटना है. जो 20 से ज़्यादा लोगों की इस हादसे के अंदर मौत हुई, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और जो जो लोग अभी अस्पताल के अंदर सीरियस हालत में हैं, अपनी ज़िंदगी की जूझ रहे हैं, भगवान उन सब लोगों को बचाए और उनको जीवन प्रदान करे, ऐसी मेरी भगवान से प्रार्थना है. जिम्मेदार मानते हैं? मैं, मेरी रिक्वेस्ट है, अभी यहाँ पे हम राजनीति की बात बिल्कुल नहीं करेंगे. आम आदमी पार्टी का गुजरात का मुख्य चेहरा कौन होगा? अभी गुजरात समय आने पर सब बताएंगे. सब मुख्य, आप मुख्य चेहरा है हमारे.